जय तिरुपति बालाजी। दोस्तों, आज तिरुमला में एक विशेष आयोजन हो रहा है। दोस्तों, इस रस्म को देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है। और दोस्तों, ये उन लोगों के लिए बहुत ही खास होता है जो कि कपल्स हैं। तो दोस्तों, आज तिरुपति बालाजी का कौन सा रस्म होने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ तिरुमला की अभी वर्तमान स्थिति क्या है, दर्शन करने में कितना समय लग रहा है और तिरुमला का मौसम अभी कैसा है, दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में तिरुपति बालाजी का नाम जरूर लिखें। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं तिरुमला में कौन सा आयोजन होने वाला है। दोस्तों, तिरुमला में आज जो उत्सव होने वाला है, तो दोस्तों तिरुमला में आज लव गेम होना है। तो लव गेम के बारे में आपको जानकारी दे दूँ कि लव गेम का जो उत्सव है, इसे प्रणय कलह महोत्सव कहा जाता है। इस लव गेम में श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी तिरुपति बालाजी अपने दो सहचरियों के साथ भाग लेते हैं। दोस्तों, इस उत्सव में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी और अम्मा वर्लू की मूर्तियों को दो अलग अलग जगहों से स्वर्ण पालकियों पर निकाली जाती है। और दोस्तों, दोनों पालकियां अलग अलग जगहों से निकलने के बाद श्री वराह स्वामी मंदिर के पास एक दूसरे के आमने सामने हो जाती है। और दोस्तों, वराह स्वामी मंदिर के पास से यहाँ पर पुजारी दो भागों में बट जाते हैं और पुजारियों का एक पक्ष वेंकटेश्वर स्वामी के तरफ होता है और दूसरा पक्ष उनकी पत्नियों के तरफ। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को चिढ़ाया जाता है। दोस्तों, पुजारियों का जो पक्ष माता की तरफ होता है, वो दूसरे पक्ष यानी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को चिढ़ाते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर फूलों की गेंदें फेंकते हैं और भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को इन फूलों की गेंदों से बचाया जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही अनोखा उत्सव है और इसे देखने के लिए ऐसे तो हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित होती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत ही खास होता है जो कि कपल्स होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में मान्यता है कि जो भी कपल्स इस दृश्य को देखते हैं, तो उनके बीच भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी और माता की कृपा से आपस में प्रेम और खुशियाँ बढ़ती हैं। ये उत्सव कुछ देर चलने के बाद भगवान की पालकी को मंदिर ले जाया जाता है। तो दोस्तों, आप में से जो भी कपल्स हैं और आज के दिन तिरुमला में उपस्थित हैं, तो इस उत्सव को जरूर देखें, या जो कपल नहीं भी हैं वे भी इस उत्सव में भाग जरूर लें, इससे भगवान की विशेष कृपा बनती है। अब बात करते हैं तिरुमला के वर्तमान स्थिति की। दोस्तों, तिरुमला में भीड़ अच्छी खासी हो रही है। विदाउट टिकट दर्शन बंद होने के बावजूद भी काफ़ी संख्या में लोग तिरुमला पहुंच रहे हैं। हालांकि दोस्तों, बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अभी के समय टिकट नहीं मिल रहा है और बिना टिकट के दर्शन भी नहीं हो रहा है, और जानकारी के अभाव में ही तिरुपति पहुंच रहे हैं और तिरुपति से तिरुमला पहुंच रहे हैं। लेकिन जो भी लोग बिना टिकट तिरुमला पहुँच रहे हैं, उन्हें दर्शन नहीं मिल रहा है। दोस्तों, तिरुमला के मौसम की बात करें तो तिरुमला में सुबह के समय बहुत ही घना कोहरा हुआ है और कोहरे के कारण तिरुमला घाट रोड पर विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई थी। दोस्तों, अभी के समय में तिरुमला में ठंड भी अच्छी खासी है, इसलिए अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या फिर कोई बच्चा है, तो उनके लिए तो गर्म कपड़े रखें ही, साथ ही साथ आप अपने लिए भी गर्म कपड़े साथ रखें। दोस्तों, अभी के समय जो भी लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और जिनके पास भी स्पेशलिटी दर्शन टिकट है, तो उन्हें दर्शन करने में लगभग 2 से 4 घंटे का समय लग रहा है। और दोस्तों, जिनके पास भी सर्वदर्शन टोकन है और उन्हें दर्शन करने में लगभग 4 से 6 घंटे तक का समय लगा है। दोस्तों, बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही है कि दर्शन टिकट कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा और कब से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको सभी वीडियो में बताते आ रहा हूं कि अभी के समय दर्शन टिकट नहीं मिल रहा है और दर्शन टिकट 2 तारीख से रिज्यूम हो जाएगा, यानी 2 जनवरी 2024 से। दोस्तों, कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि फ्री दर्शन कब से चालू होगा, यानी बिना टिकट वाला दर्शन, तो ये दर्शन भी 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी लोग दिव्य दर्शन टिकट या फिर सरदर्शन टोकन लेना चाहते हैं, तो दिव्य दर्शन या फिर सरदर्शन टोकन 2 जनवरी से स्टार्ट होगा और इस टिकट से सेम डे दर्शन हो जाएगा, जैसा कि पहले होता आया है, सरदर्शन या फिर दिव्य दर्शन टिकट से सेम डे दर्शन हो जाएगा। दोस्तों, जिनको भी ऑनलाइन दर्शन टिकट नहीं मिल पाया है, तो वे तिरुपति के काउंटर से SSD टोकन या फिर दिव्य दर्शन टिकट लेकर भी तिरुपति बालाजी के दर्शन कर पाएंगे। रूम के बुकिंग की बात करें तो रूम की बुकिंग तिरुमला में अभी भी होती है, लेकिन 1 जनवरी तक तिरुमला में सिर्फ उन्हीं लोगों को रूम दिया जाएगा जिनके पास दर्शन टिकट होगा। और दोस्तों, 2 जनवरी से सभी कोई तिरुमला में रूम बुक कर पाएंगे, चाहे उनके पास दर्शन टिकट हो अथवा ना हो। बाकी दोस्तों, तिरुमला से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको वीडियो में दे देंगे। इसलिए दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट में तिरुपति बालाजी का नाम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, जय गोविंदा।